हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज की इस यूट्यूब वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एनटीपीसी की तैयारी को लेकर स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। देखिए, एनटीपीसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित रेलवे का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीके एंड जीएस से हैं। और उस 40 क्वेश्चन में जो जीके एंड जीएस से हैं, उसमें साइंस, जनरल साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार। ऐसे हर बार होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम स्ट्रेटजी की बात कर लें कि तैयारी कैसे करनी है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, परसेंटेज उठाते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर उठाते हैं, सीआई एंड एसआई उठाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उठाते हैं, टाइम एंड वर्क उठाते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स उठाते हैं, या एडवांस मैथ्स उठाते हैं, ट्रिगो वगैरह वगैरह, एलजेब्रा, अरिथमेटिक, जो भी है, ज्योमेट्री, जो भी आप उठाते हैं, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना ज़रूरी है कि इसका मैकेनिज्म कैसे है बनाने का। यू मस्ट हैव नो अबाउट द मैकेनिज्म एंड यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ताकि आपको कोई भी डाटा मिले, किसी भी तरह का डाटा मिले, किसी भी लेवल का क्वेश्चन मिले, आप उसको सॉल्व कर पाएं। साथ ही साथ ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए। जैसा कि मेरा अभी ऑनलाइन पेड क्लासेस चल रहा है 2.0, उसमें बहुत बच्चों को लाभ मिल रहा है। मैंने जो मैथ्स के क्लासेस शुरू किए हैं, एकदम बेसिक्स मैंने शुरू किए हैं, और मैंने मेरी जो फर्स्ट क्लास थी वो कैलकुलेशन पर ही बेस्ड थी। मैं उस पर कैलकुलेशन पर जोर दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कम समय में कैसे कैलकुलेशन करना है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, कंपटीशन में जितने भी परीक्षार्थी बैठते हैं, चीज़ें सबको आती हैं, लेकिन कौन कितना कॉन्सेप्चुअल है और कौन किस ट्रिक का कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाता है, कौन कितने तेज़ी से और एक्यूरेटली मैथ को बना पाता है, उसका कैलकुलेटिव पावर क्या है। जैसे सपोज कीजिए, कोई भी है, परसेंटेज चैप्टर हो, सीआईएसआई हो, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह जो चैप्टर हो, जब तक आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं रहेगा, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट आप सब कुछ जानते हो, कुछ नहीं होने वाला है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का होना ज़रूरी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन का होना ज़रूरी है। फॉर्मूला के लिए आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, मैथ्स के लिए जहाँ जहाँ फार्मूला है, जिस चैप्टर से, उसको एक पतली सी कॉपी में उतार लीजिए और वो पतली सी कॉपी अपने पास रखिए। कहीं आप जाते हैं या जहाँ सोते हैं उसको तकिया के नीचे रखिए। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, जब चलायमान हो जाएगी दुनिया और देश, तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करेंगे, उस पतली सी कॉपी को अपने साथ रखिए और उसको हमेशा रिविज़न करते रहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये केवल प्रैक्टिस है। जितना आप सेट्स मार सकते हैं, सेट्स कब मारिएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा, कैलकुलेशन क्लियरेंस हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी, आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा मैथ्स बनाने का, तब आप सेट्स मारिए। फिर अंदाज़ा लगाइए कि आप कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ कमी है, ठीक है, और कहाँ पर मतलब आपका पोर्शन मजबूत है। तो जहाँ पर कमी है वहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस के आधार पर रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है, मैक्सिमम विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठते हैं उनकी रीजनिंग अच्छी होती है। तो रीजनिंग में पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो, नॉन वर्बल रीजनिंग हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस की। देखिए सर, जीके एंड जीएस में इस बार 40 में से लगभग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
ये तीन सब्जेक्ट से क्लास टेंथ लेवल या एलेवेंथ ट्वेल्थ लेवल के का जो जनरल लेवल है वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अभी मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस चल रही है 2.0, उसमें बच्चों को वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, उनको थ्योरी क्लियर कराई जा रही है, साथ में साथ वीडियो के थ्रू न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जा रहा है कॉन्सेप्ट देते हुए। साथ ही साथ उनको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिए जा रहे हैं असाइनमेंट के रूप में, साथ ही साथ उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ के थ्रू भेजे जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो अभी भी विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम सीटें बची हुई थी, सारी सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, फिर भी मैंने आपके लिए, ठीक है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको बुक कर लूँगा। मैंने एडिशनल कुछ सीटें सोची हैं जिसको मैं बढ़ाऊँगा, और आपको, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप इस कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने कल परसों यानी 10 और 11 दो दिन का वक्त मैं कल नोटिफाई करूँगा कम्युनिटी के थ्रू, मैं दो दिन बढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी 8-7 मई से जो था 21 मई वो बढ़कर 7 मई से 24 मई बढ़ गया है कोर्सेज का डिटेल्स। तो अब मैंने उसी हिसाब से, मैं अभी आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं दो दिन और बढ़ाने जा रहा हूँ कोर्सेज खरीदने के लिए, और उसमें एडिशनल 100 सीटें बढ़ाऊँगा। तो ये जो दो दिन बढ़ाऊँगा वो 10 और 11 बढ़ाऊँगा, कल 10 तारीख होगा, परसों 11 होगा। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं इस कोर्सेज को ख़रीदने के लिए, जिसमें आपको जनरल साइंस, जीके भी मिलेगा, करेंट अफेयर्स मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, ये सारे मटेरियल आपको दिए जाएंगे, साथ में इनके वीडियोज, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज हैं उनके साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, एक बेहतर मटेरियल आपको दिया जाएगा। कई बच्चे जो मुझसे जुड़े उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ वॉल्यूम वन में, जो बच्चे टेस्ट सीरीज सेट्स मारा उन्होंने बताया कि सर आपका मटेरियल लाजवाब था, आपके मटेरियल से जब मैंने सेट्स मारा तो वो बहुत उपयोगी रहा और मैंने उसमें मैक्सिमम स्कोर किए। तो आप सभी भी, मैंने अभी दो दिन बढ़ाया है, मैंने कोर्सेज की अवधि को दो दिन बढ़ा दिया है, 7 मई से जो 21 मई था उसको 7 मई से 24 मई कर दिया है, और अब मैंने दो दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, यानी कि 10 और 11 यदि आप कोर्सेज खरीदने के इच्छुक हैं तो आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। ये केवल 24 तक ही नहीं बढ़ सकता, हो सकता हो कि 15 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिले इन 500 रुपये में। तो यदि आप इस कोर्सेज को ले लेते हैं तो आप बहुत ही फ़ायदे में रहिएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़, और देखिए कितनी सुंदर बात है कि आपको जो भी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जा रहा है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जा रहा है, ताकि अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत ना हो और हिंदी भाषी विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत ना हो। वीडियो में भी जब मैं बनाता हूँ, जो स्टडी मटेरियल आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें भी आपके दोनों भाषाओं का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। तो इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप इस कोर्सेज का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, और यदि आपको ज़्यादा इस कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9708922669 पे टेक्स्ट करें या 9708922669 पे कॉल करें। कल और परसों दो दिन बढ़ाए गए हैं कोर्सेज खरीदने के लिए, एडिशनल 100 सीटें बढ़ाई गई हैं, और कोर्स की अवधि भी 7 मई से 21 मई तक थी, जिसे बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया। अब हम जैसे बात कर रहे थे मैथ्स की, रीजनिंग की, उसी तरह हम जनरल साइंस की बात कर लेते हैं कि जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए जनरल साइंस में आपको जनरल लेवल पे 11, 12 और 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, खासकर फिजिक्स में न्यूमेरिकल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब IIT लेवल वाला आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, हाँ ये हो सकता है कि मेडिकल का जो सबसे निचले स्तर का जो लेवल है उस पर आप कर सकते हैं, जो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो न्यूमेरिकल का लेवल होगा वो काफ़ी IIT लेवल का नहीं होगा, नीट लेवल का नहीं होगा, वो कम मतलब उसका जो लेवल होगा वो लेवल 1 होगा, ठीक है, वैसा नहीं होगा लेवल 2 लेवल 3 जो कि नीट और IIT में पूछे जाते हैं, वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ जनरल साइंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा, और मैं आपको बता दूँ
कि जनरल साइंस में एनसीईआरटी का अहम किरदार होगा, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको एडिशनल अपने कोर्सेज में देता हूँ, और एनसीईआरटी के लाइन लाइन से जो क्वेश्चन बनता है, मैं पर्सनली उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को निकाल के मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस कोर्सेज के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके काम को मैं आसान करता हूँ। आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में जो लाइन्स आप अंडरलाइन करेंगे उससे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, जो कि काफ़ी टफ होता है। यदि आपको बना बनाया क्वेश्चन मिल रहा है तो आप अपनी एनर्जी को बचाइए, और ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिवीजन करना हो। ये तमाम स्ट्रेटजी हैं जो आपको अपनानी होंगी। फिर हम आज 10 तारीख है, मैं फिर 15 तारीख को आऊँगा और वहाँ चर्चा करूँगा एक ग्रुप डी की स्ट्रेटजी के बारे में, कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। और उसी वीडियो में मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। आप सभी घर पे हैं, सुरक्षित हैं, और आपको घर पे ही रहना चाहिए। लॉकडाउन की इस अवधि में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आप संक्रमण से बचें, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। आप तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और आप यदि इस चैनल से ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कोर्सेज के लिए 2 दिन बढ़ा दिया गया है, 10 और 11, तो कोर्सेज आप खरीदें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है। थैंक यू।